अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अरसलान ठोकर। आप देख रहे हैं टकराव जीत का वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन फाइनल फाइनली, और हम पहुंच गए आज फाइनल में आपके साथ साथ। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया चल रहा है, इंडिया कर रहा है बैटिंग। इंडिया की टीम आज नज़र आई है पूरे टूर्नामेंट में मुश्किल का शिकार, जहाँ पर इंडियन बैटिंग लाइन थोड़ा सा प्रेशर में। इंग्लैंड के अगेंस्ट ज़रूर नज़र आई थी, लेकिन फिर बॉलिंग ऐसी की उन्होंने कि इंग्लैंड को उन्होंने वन साइडेड मैच करके तो हरा दिया 223 आठ खिलाड़ियों के नुकसान पे। और ये तीसरी दफ़ा इस टूर्नामेंट में जब इनके सातवें और आठवें बैटिंग कर रहे हैं, वरना तो पूरे टूर्नामेंट में सातवें आठवें की बैटिंग ही नहीं आई। तो ये तीसरी दफ़ा हो रहा है। एक तो बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन वो स्कोर इतना कर गए थे, मार मार के थक गए थे 300+, तो उन्होंने कहा चलो सारे ही खेल लेते हैं। एक इंग्लैंड के अगेंस्ट, बाकी कोई इतनी बड़ी नहीं उनकी एफर्ट कोई इतना नज़र आई कि जी मेहनत की हो उन्होंने, वो उनकी बड़ी अच्छी जा रही थी। आज कोहली चले थोड़ा सा, रोहित शर्मा चले थोड़ा सा, शुभमन गिल नहीं चल पाए, श्रिया सैयर को बड़ा अच्छा कैप्चर किया। तो ऑस्ट्रेलियन टीम से जो उम्मीद थी और सुबह जो उन्होंने बैटिंग का फैसला इनको दिया, तो मुझे लगा बड़ा अजीब हो गया। हैदर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद हैदर भाई जर्मनी से, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। रिजवान हैदर साहब हमारा रेगुलर हिस्सा पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान सदुजई साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट क्रिकेट एनालिस्ट मोबिन शाहिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम हजरात का। रिजवान भाई, सुबह वाला फैसला ठीक लग रहा है आपको अभी तक? इन हाइंडसाइड तो बिल्कुल ठीक है, उस वक्त वाकई लग रहा था कि गलत फैसला है। और बैटिंग करके टॉस जीते, बैटिंग करें, पुट अप रन्स ऑन द बोर्ड और प्रेशर डाल दें। अच्छा, इस पिच के ऊपर आप ये देखेंगे इंडिया ने शुरू में मोमेंटम पकड़ा, पहले 8 ओवर 9 ओवर में वो तकरीबन 10 ओवर में 80 रन बन गए थे, लेकिन जो दो आउट हुए ना, ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग वॉज अमेजिंग इन द फर्स्ट 5-6 ओवर्स यार। चौके रोके सर, जिधर केएल राहुल उसने रोहित शर्मा ने छक्का भी मारा ना, वो छक्का तो चला गया लेकिन बंदा वहीं खड़ा हुआ था बाउंड्री पे, अगर थोड़ी सी मिस हिट होती। बहुत सारे कैच, वो वार्नर ने जो कैच अटेम्प्ट किया, जहाँ जहाँ वो बॉलिंग करा रहे थे, जिधर बैट्समैन शॉट मारा था वो उधर ही, फील्ड प्लेसिंग वॉज अमेजिंग। मैंने इतनी अच्छी फील्ड प्लेसिंग शायद हार्डी कभी क्रिकेट में देखी हो। अच्छा, उसके वजह से एक तो मतलब वो 80 की जगह अगर फील्ड प्लेसिंग किसी और टीम की होती तो शायद 110 स्कोर होता उस वक्त 10 ओवरों के बाद। फिर आपने जो ग्लेन मैक्सवेल ने आउट किया, उसको छिक्का पड़ा, गेंद खींची अगली, उसने वो पहले से तैयार था, तीसरी पर उसको अंदाजा था फ्लाइट होगा, लेकिन उसने फिर थोड़ी सी फ्लाइट दे के खींची और वो स्लोअर के चक्कर में वो मिस हिट हुई और वो कैच हुआ। एंड व्हाट अ वंडरफुल, बिल्कुल प्लानिंग के तहत सारे कुछ आउट हुए, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस। ऑस्ट्रेलिया ने हौसला नहीं हारा कि यार 8 ओवरों में हमें 65 पड़ गए। हेजलवुड को जिस तरह पहले 2 ओवरों में मार पड़ी है, 9 ओवरों में 76 मुझे लगा गेम हाथ से चली गई है, बिल्कुल। लेकिन 82 for 3 उन्होंने जब कर दिया उसके बाद से बहुत अच्छा खेले, क्योंकि विकेट टफ थी। सो प्रॉबली मुझे लगता है रोहित शर्मा की इनिंग सबसे ज्यादा क्रूशियल थी अभी तक, बेशक क्योंकि वो उसने जो शुरू में मोमेंटम दे दिया ना, कि आप बॉल अगर, और अभी तक वही स्कोर चला आ रहा है, उसी की वजह से चल रहा है जो रन रेट आपका अभी भी, अब तो 5-6 है नीचे आ गया। टाइम आया ना जब विराट कोहली और केएल राहुल आए, तब तकरीबन 6-7 ओवर 8 ओवर चौके आपको, नहीं नहीं 11 से 40th ओवर तक टोटल 2 चौके लगे। ओके, कैन यू बिलीव दैट, क्या कंट्रोल था ऑस्ट्रेलिया का, अमेजिंग। लेकिन अभी खैर दूसरी इनिंग बाकी है तो लेट्स सी, जल्दी हो जाएगा। हाँ जी, देखिए लगा था ऑस्ट्रेलिया ने ठीक डिसीजन किया और अभी प्रूव भी किया ऑस्ट्रेलिया ने। इंडियन जो टीम है, हम पहले से ही कह रहे थे एक्सपोज नहीं हुई उनकी पूरी जो बैटिंग लाइनअप है, आज उनके ऊपर प्रेशर पड़ा है तो देखें आपके सामने रिजल्ट। रोहित शर्मा की जो अप्रोच थी, मुझे लगता है कि उनके पास आज को प्लान बी उन्होंने रखा नहीं हुआ था, ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम जो है वो स्कोर कर जाएंगे, बैट्समैन फॉर्म में एक ना चला दूसरा चल जाएगा, लेकिन वो कोलैप्स कर गए। तो रोहित शर्मा ने जिस तरह आके अटैक करना शुरू किया, उसको कैरी करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से आउट हुए बहुत ही कैजुअल अप्रोच थी सारे प्लेयर्स की, कोहली अनलकी, ऐसे लग नहीं रहा था कि कोई प्रेशर है, बस वो एंड तक खेलना चाह रहे थे, तो इसी चक्कर में विकेट देते। उसके अलावा भी आप देखिए कि श्रेयस अय्यर कैसे आउट हुए, बिल्कुल कैजुअली। कोहली को उसने कैप्चर बहुत, उसको पता था कि यार वैसे तो उसने ज्यादा बाउंड्री जब नहीं दी तो कोहली को जब रोका तो फिर वो अल्टीमेटली गया इस तरफ, उसने बॉल इतनी बॉडी हाइट पे की, उसको पता था यार ज्यादा से ज्यादा बॉल पीछे, क्योंकि वो गई सीम के साथ थी तो लग के पीछे ही जाने। देखिए इस्लाम भी, हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि जब इंडिया पे इस वर्ल्ड कप में प्रेशर आएगा ना, एक और आउट तो अभी तक, इससे पहले अभी तक इंडिया की टीम में प्रेशर नहीं आया हुआ था। और फिर मैंने जिक्र किया था कि जो इंडियन क्राउड है, देखें इस टाइम फुल जो है ना वो क्राउड है, 99.9% जो सपोर्ट है वो इंडिया के साथ है। अब उस क्राउड में जब आप प्रेशर में आते हैं, आप अपने क्राउड का प्रेशर इतनी जल्दी हैंडल नहीं कर सकते। इंडियन टीम एकदम से प्रेशर में आई है, देखें पहले 10 ओवरों में 82 रन थे, अगले 10 से 20 ओवरों में सिर्फ एक बाउंड्री भी नहीं लगी, एक भी बाउंड्री नहीं लगी अगले 10 से 20 ओवरों में। 10 ओवर्स जो थे ना, उसने पूरा मैच कर उसने वो चेंज किया। एक टाइम पे हमें लगा
कि टॉस जीत के जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है उन्होंने हैरान कन फैसला किया, क्योंकि देखें दोनों जो मैचेस उन्होंने लास्ट खेले हैं चेस उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया। देखिए उनकी टॉप एक मैक्सवेल ने आपको मैच जितवा दिया, ठीक हो गया। उसके अलावा दोनों दफा जो है ना इनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया था, हाँ जी, ऑलमोस्ट बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर गया था। तो मेरे ख्याल से अगर अभी भी 250 प्लस कहीं हो जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कितना आसान ये मैच होगा। फिर भी इस टाइम पे, हाँ जी, इस टाइम पे जो आप हैदर भाई के बजाय मैं छोटी सी चीज ऐड करूंगा कि जो तीन सीनियर प्लेयर है ना रन जूनी के हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल, जो सारे यंगस्टर्स हैं वो आज एक्सपोज हुए थोड़े से। आज कुलदीप के ऊपर बड़ा होगा, रिलाय करेंगे कि कुलदीप क्या करते हैं। उसी के लिए तो पिच बनी है। अगर 250 के करीब करीब ये कर जाते हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मैच होगा, इतना आसान नहीं होगा ये ऑस्ट्रेलिया के लिए। सर मुझे अभी भी लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा। हां, आसान नहीं है। आपने पिच भी देख लिया ना, आपने पिच भी देखी है। फिर आप देखें अगर इंडियन टीम जिनकी अपनी कंडीशन और सारे इतने तगड़े फॉर्म में नजर आ रहे थे, अगर वो कोलैप्स हो सकते हैं तो जो ऑस्ट्रेलियन टीम ऑलरेडी उनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता हुआ नजर हमें आया है। लेकिन पहले इनिंग्स के बाद इंडियन क्राउड जो है वो जरूर सोच रहा होगा कि मैच जो है वो हाथ से लेके पहले 10 ओवर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग के पहले 10 ओवर। जी हैदर भाई, देखिए मैं एक बात कहूंगा कि हमारे दोनों दोस्तों ने, रिजवान भाई ने और मुबीन साहब ने कहा कि पिच में कुछ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से पिच में है कुछ। बॉल सही तरह बैट पे नहीं आ रही है। जो पहले 10 ओवर थे उसमें रोहित शर्मा जो है वो आउट ऑफ क्लास जाके खेल रहा था, बिल्कुल अपने फ्रंट जो है डाउन द ट्रैक जा रहा था, तो इसलिए उसको जो है बॉल बिल्कुल बैट पे मिल रही थी। अदरवाइज आप कोहली को देखें, राहुल को देखें, उनको नहीं बॉल बैट पे मिल रही थी। और थोड़ा सा इसमें कहीं पे स्टीव बाउंस भी है, कहीं पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस आ रहा है, जिसकी वजह से तीन खिलाड़ियों के जो है कॉर्ट बिहाइंड हुए। कॉर्ट बिहाइंड होने का मतलब यही होता है कि बॉल में थोड़ी सी वेरिएशन है और कहीं पे आपका एक्स्ट्रा बाउंस आ रहा है। अब सेकेंड सेशन में क्या होगा, देखिए उसने पहली बात कही थी कमिंस ने, क्यों हम बैटिंग नहीं कर रहे हैं टॉस जीत के, उसने बोला ड्यू फैक्टर हो सकता है। इसका मतलब है कि ड्यू फैक्टर से डरने की वजह से उसने पहले बैटिंग नहीं की है। अगर ड्यू फैक्टर नहीं हुआ तो इंडिया की बॉलिंग जो है ना वो फिर इनके लिए बड़ी परेशानी पैदा कर देगी। मैं आपको बताऊं, अच्छा हमने देखा है कि इस वक्त जितनी भी टीमों ने बॉलिंग की है सबसे अच्छी जो फास्ट बॉलिंग की है वो इंडिया ने की है। तो आज हमें देखना है कि उनके बॉलर्स क्या करते हैं। आज का मैच ऐसा लग रहा है ये बॉलर्स का मैच है, आज का मैच जो है ये बैटर्स का मैच नहीं है। आज बॉलिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जो कामयाबी, और हैदर भी एक चीज भी हुई कि पूरे टूर्नामेंट में वाइज एक टीम है जिसने सही तरह आज मैच पर भी पिच पर तहफुजात का इजहार किया पैट कमिंस ने। नहीं, पैट कमिंस, देखिए पैट कमिंस को बोलना था, जब आप 24 घंटे सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, अखबारों में एक चीज पढ़ते रहते हैं ना, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको बोलना पड़ता है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब या तो आप डर गए या फिर आप जो है कुछ हाइपोक्रेसी दिखा रहे हैं, तो वो बोलना वाजिब था इसके लिए। फिर उसने अननेसेसरी उसकी पिक्चर खींची, पिक्चर खींचने से क्या होता है, देखें पिच वहां पे 7 पिचें बनी हुई हैं, अंकल को भेजी होगी ना, अपने अंकल को भेजी होगी, जैसे वो रवीद राजा को गई थी एक बार। हाँ, आईसीसी एक दिन पहले बता देती है, देखें जो तरीका है इसका आईसीसी टूर्नामेंट्स का, आईसीसी एक दिन पहले जो है टीमों को बता देती है जी ये पिच यूज होगी। अब वो पिच जो है वो वही यूज होनी थी, अब वो उसको एक स्कैंडल बनाया गया कि पाकिस्तान जिस पिच पे खेला था वही पिच होगी, लेकिन वो पिच नहीं है, ये पिच नंबर 5 है, पाकिस्तान पिच नंबर 7 पे खेला था। जी, तो आज का मैच जो है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा सेकंड सेशन में। मैं आपको बता दूं अगर ये 220 भी करते हैं ना ऑस्ट्रेलिया वाले, इंडिया वाले, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए चेस करना जो है इतना लेकिन आसान सर अभी तो 227 पे 9 खिलाड़ी आउट हैं, हद से हद कितना जा सकते हैं, 240 तक 45 तक जाएंगे मैक्सिमम। देखें 2 ओवर रह गए, 3 ओवर, तो उसके बाद जो है वो 240 तक चले जाएंगे, लेकिन 240 भी चेस करना ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा। और ऑस्ट्रेलिया की आज जो बैटिंग जो है सारा दारोमदार डिपेंड करेगी आज लाबुशेन पर। अगर लाबुशेन और स्टीवन स्मिथ ये दोनों अच्छा खेल गए तो ऑस्ट्रेलिया आराम से जीतेगा। मुझे वार्नर से आज कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिच जो है ना वो वार्नर जैसे बैट्समैनों के लिए नहीं है, मार्श के लिए नहीं है, आज है लाबुशेन और स्टीवन स्मिथ के लिए। ओ, क्या कहते थे? अच्छा मुझे ना 1999 का फाइनल याद आ गया जब हम 136 पे आउट हो गए थे, तो उसके बाद जैसी मर्जी पिच हो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द बैट्समैन, मतलब इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द बॉलर्स टू कंटेन। अगर ये ठीक है, हैदर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वार्नर शॉर्नर वाली पिच नहीं है, लेकिन ये पिच रोहित शर्मा वाली भी नहीं थी। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने, क्योंकि नई बॉल जो है ना वो थोड़ी सी ग्रिप करती है, नई बॉल जब तक 5-6 ओवर हैं उसमें जो जान है, अगर उसमें से जूस निकाल लिया वार्नर और ट्रेविस हेड ने और मोमेंटम पकड़ गए 70-80-85 कर गए 8-10 ओवरों में, तो फिर तो मैच वो ऑस्ट्रेलिया मोमेंटम के थ्रू ही ले जाएगी।
और उसके बाद फिर रोल आएगा स्टीव्स में तो लेबुशैन का, वो खड़े होके कंटेन करते रहे, क्योंकि जब टारगेट बड़ा होता है ना तो भाई प्रेशर और होता है, माइंडसेट और होता है बैट्समैन का। इस वक्त वो टारगेट इतना छोटा है आजकल के क्रिकेट के हिसाब से कि अगर अक्लमंदी से खेले, और ऑस्ट्रेलियंस करते हैं, दे आर द ओनली टीम हु प्लान थिंग्स थॉरली, और उसके बाद शायद इंडिया या इंग्लैंड करते हैं, हम तो कहीं भी नहीं आते इस कहानी में। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये टारगेट ऐसा है कि ये 6-8 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने मोमेंटम पकड़ लेना, और उसके बाद फिर वो इंडिया के काबू में नहीं आनी। चले देख लेते फिर कहाँ एंड होता है। देखिए ऑस्ट्रेलियन बाज तो नहीं आते, उनकी जो नेचर है हिटिंग वाली अग्रेसिव अप्रोच की, वो ज़रूर ऊपर के जो बैट्समैन हैं वो ज़रूर जाएंगे इस अप्रोच के साथ। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया को 50 ओवर पूरे खेलने चाहिए, 50 ओवर खेलेंगे तो काफ़ी सारा मैच उनके हाथ में आ जाएगा। उसके बाद जो 2-3 रिव्यूज़ है वो वेस्ट करवाने, और उसके बाद स्पिनर्स है, फिर स्वीप लगानी है इस विकेट के ऊपर, स्वीप शॉट्स खेलेंगे तो इनको स्कोर मिलेगा, अनसेटल करना है, खास करके कुलदीप को सेटल नहीं होने देना। कोई उसकी इतनी ज़्यादा टेक्निकल बॉल नहीं है, वो बॉल यू नो लेफ्ट आर्म बॉल करता है तो वो उन्हें पता है कि बॉल किधर जा रही है, इतना बड़ा ब्रेक भी नहीं होगा आज कुलदीप का, तो ये इंडिया आउट करने पर जाएगा, वो भी डॉट बॉल की तरफ ज़्यादा नहीं जाएगा, वो भी चाहेंगे कि हम इनको रिस्ट्रिक्ट करें, लेकिन विकेट चाहिए। हाँ, तो अगर ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर पूरे खेलता है तो चांस उनके बढ़ जाएंगे। उम्मीद आता हूँ फिर आपसे भी इसका व्यू लेते हैं जी, क्या बनने जा रहे हैं, जरा वापस आएंगे तो कुछ स्कोर भी सामने आ चुका होगा, फाइनल मराहल चल रहे हैं फाइनल के, वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी, एक बार फिर टकराव जीत का हमें खुश आमदीद कहेंगे। मुबीन, हम बात कर रहे थे इसी सिचुएशन की, आखिरी बॉल है, 239-40 रन हो गए सर, 240 जिसका जिक्र कर रहे थे। मेरे ख्याल से एक फाइटिंग टोटल है और पहले 10 ओवरों पर डिपेंड करेगा कि ये मैच किस तरफ जाएगा, और जिस तरह वही फायदा दिया है वही पहले 10 ओवरों ने। Exactly. अभी भी स्कोर बीच में देखिए, जो 10 से 20 जो 10 वो ओवर्स थे ना, उन्होंने पूरा मैच चेंज किया है। और मेरे ख्याल से जिस तरह का इंडियन बॉलिंग अटैक है, जिस तरह उन्होंने अभी रिसेंटली बॉलिंग इस वर्ल्ड कप में की है, पहले 10 ओवरों में अगर ब्रेक थ्रू मिल जाते हैं उनको तो फिर एकदम से इंडिया एक्सीलेंट टीम बैठ सकती है। लेकिन क्योंकि लो टोटल है तो मेरे ख्याल से जो इनकी अप्रोच होगी ना वो थोड़ी अग्रेसिव होगी, कि शुरू में हम जाएँ और पहले हाफ में मैच एक तरफ कर दें। इस चीज़ से बचने के लिए या वो क्या प्लान तैयार करते हैं वो देखना होगा। लेकिन क्या बुमराह और सिराज इतना अलाउ कर सकते हैं? जिस तरह की बॉलिंग, मैंने वही बात, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, अगर उनको अर्ली ब्रेक थ्रू मिल गए 2-3 तो फिर ये मैच काफी हद तक जो है ना वो इंडिया की फेवर में चला जाएगा। चलें जी, पूरा 240-241 टू विन, 240 काफी अच्छा, मतलब हमें फाइटिंग टोटल है, आप ये कह सकते हैं कि इसको इतना आप लाइट नहीं ले सकते। सर जी 241 फाइनल का टारगेट आया, 240 इतना ही एक्सपेक्ट किया था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा हाई स्कोरिंग मैच होगा। देखिए जब शुरू में जिस वक्त खेल रहे थे रोहित शर्मा और दूसरे जो उनके पार्टनर थे, उस वक्त तो लग रहा था कि 300 प्लस जाएगा, लेकिन प्रेडिक्शन हमारी जो थी ये 240-250 की थी, वही हुआ जो विकेट हमने देखी। ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा डिसीजन था, और अब जो आईपीएल के अंदर इनके एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलियंस का, अब उसको देख के ये सारी विकेटों के ऊपर खेले हुए ऑस्ट्रेलियंस, डेविड वार्नर, कमिंस, ये लोग खेले, मैक्सवेल खास करके, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मैच का प्रेशर जाएगा। नीचे हैं वो 5वें-6वें नंबर पे, अगर वहाँ पे आके वो 50-60 स्कोर कर जाते तो मेरा ख्याल है कि वो 5-7 पलट सकते हैं मैच का। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैच गया ना 5 विकेटों के आगे तो साउथ अफ्रीका नहीं है इंडिया, वहाँ पर मसला होगा। और अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग साइड है, आप ये देखिए। लेकिन आपको बताऊं, 5 विकेट गई ना ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया के हाथ से मैच चला जाएगा, तो मैं आपको अभी बता रहा हूं। नहीं, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में इस तरह कहना कबलज वक्त है। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी बुरी बुरी सिचुएशन से इनकी टेल ने मैच निकाला हुआ है। अग्री कि मैं, लेकिन आप बॉलिंग का फर्क देखिए ना, जहाँ पर बॉलिंग का फर्क, जी ठीक कह रहे हैं आप, जहाँ पर थोड़ा सा मैच आगे गया इंडिया के लिए तो फिर इस मैच को वो बहुत ऊपर हावी हो जाएंगे, वो चढ़ जाएगा कि देखिए जो क्राउड है, अब जब वो जब ये ना मोमेंटम यहां क्रिएट करेगा आपके ऊपर तो उस चीज से निकलना इतना आसान नहीं है। क्या कहते हैं सुशांत भाई? देखिए ये जुमला तो खैर मैच के बाद के लिए था, लेकिन मैं भी ट्राई कर लेता हूं कि जनरली जो किसी के लिए गड़ा खोदता है ना तो वो कई दफा उसमें खुद ही गिर जाता है। अभी मैच का रिजल्ट जो भी आए, लेकिन ये जो स्पिन डॉक्टर्ड पिचेस बना बना के आप कर रहे थे ना, तो अभी तक तो यही लग रहा है कि इंडिया उसके अंदर खुद ही पूरा हो गया उनका। तो लेट्स सी, आई होप कि ऑस्ट्रेलिया प्लेस पॉजिटिव क्रिकेट, पहले 10 ओवर और विकेट लेस जाना ये जरूरी हो। नहीं, वो सारा कुछ ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए ये पिच जेब नहीं देती फॉर अ वर्ल्ड कप फाइनल। आप फाइनल में दें यार अच्छी पॉजिटिव, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, तो उस हिसाब से तो आई वुड से कि यार ऑस्ट्रेलिया इज डन ब्यूटीफुली। 1, 2, 3, 4, 5 के आज तो इंग्लिश नहीं पकड़नी है उसकी, इंग्लिश भी ठीक नहीं, लेकिन बीच में मिसिंग है ये ठीक है। कमाल, हाँ जी हैदर भाई, ऑस्ट्रेलिया डिड वेल, 240-241 टू विन, वेरी गुड स्कोर इंडिया का। मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया चेस कर पाएगा, मुझे 90% चांसेस इंडिया के वो जीत जाएगा,
क्योंकि रीजन पिच की रीजन है, स्पिन की रीजन है, बॉलिंग की रीजन है, क्या है? पिच जो है वो बिल्कुल अनइवन है, और इंडिया ने 240 कर लिया, ये बहुत ज्यादा कर लिया है। मैं तो इसे 180 190 देख रहा था, इससे ज्यादा तीनों क्या इसको। विराट हाँ कोहली, केएल राहुल बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस तीनों दी। सीनियर्स। हाँ हाँ तो ये काफी, देखें मैं आपको बताऊं, देखें विराट कोहली इतना एक्सपीरियंस है उसका, केएल राहुल बड़ी अच्छी बैटिंग है, आज उन्होंने कितना स्लो खेला है इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो पिच को रीड कर चुके थे। अच्छा अब उसके बाद पिच जो है वो अहमदाबाद की पिच जो है मशहूर है कि सेकंड सेशन में और स्लो हो जाती है, यानी जितना आप उस पर खेलते जाते हैं वो स्लो होती चली जाती है, वहां पे थोड़ा सा पाउडर बनना शुरू हो जाता है। अब आपने अगर पिक्चर देखी हो, वीडियो देखी हो पिच की, तो आपको नजर आ रहा होगा कि कहीं कहीं पे डार्क स्पॉट्स हैं। डार्क स्पॉट उस वक्त होते हैं कि जब वहां से जो है पिच जो है वो टूटना जो है वो खुरदरी होना ब्रेक। शुरू हो जाती है, अच्छा वैसे ठीक है सुबह ना। भी ना बहुत हाँ क्रैक्स थे पिच में जब जी दिखा रहे थे, उस वक्त वो कह भी जी रहे थे एक्सपर्ट्स मास्टर अब हुसैन ने भी कहा ऑस्ट्रेलिया था ने क्या कि एक तो किया, मुझे नहीं, मुझे तो लो स्कोरिंग मैच लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, मैं आपको बताऊं अरसलान, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की नफसियात से खेलने की कोशिश की। इंडिया ने अब तक ज्यादातर मैचेस चेस करके जीते थे, उन्होंने कहा कि इनको चेस करने पे नहीं जाने दो पहले। अच्छा हाँ, ऑस्ट्रेलिया 7-8-6 भी आउट हो जाए तो उन्होंने, चेस कर लेते हैं। हाँ उन्होंने देखा कि पिच जो है ना ये 400 वाली नहीं है, हम अगर पहले खेलते हैं हम आज 400 नहीं कर सकते, क्या इतना बड़ा स्कोर करते हैं इंडिया को दे। उन्होंने थोड़ा सा साइकोलॉजी से खेला इंडिया की कि तुम ठीक है हम चेस करते हैं, तुम पहले खेलो, तुम देखते हैं तुम कितना स्कोर करते हो। अब पोजीशन ये हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो है वो इस पूरे टूर्नामेंट में शेकी रही है। एक मैच में मैक्सवेल चलता है, दूसरे में वार्नर चलता है, तीसरे में फिर जो है वो स्मिथ चलता है, चौथे में ट्रेविस हेड चलता है, यानी कहीं पे भी कंसोलिडेट नहीं किया है बैटिंग ने। इंडिया की बैटिंग जो है कंसोलिडेट कर दिया है, यानी हर मैच में चार आदमियों ने तो अच्छी बैटिंग की ही की है, और वही आज रोहित भी शर्मा कर ने अच्छी गए, बैटिंग वही बैटिंग आज की। भी कर गए। उनकी जी डिपेंडेंसी भी तीन सीनियर्स पर हाँ ही है, तो रोहित, जी विराट और केएल राहुल। एग्जैक्टली तो अब जो ये सेकंड सेशन है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, लाइट्स में होगा। लाइट्स में आपको बताया कि व्हाइट बॉल ज्यादा मूवमेंट आ जाती है लाइट में, क्योंकि उस वक्त जो होता है वो कहते हैं कि हीट जो है, सन हीट जो है वो थोड़ी सी कम जब होती है तो बॉल का बैलेंस व्हाइट बॉल का, वसीम अकरम का कहना है, मुझे नहीं पता मैं तो फास्ट बॉलर नहीं हूँ, वसीम अकरम का कहना है कि लाइट में जो है ना बॉल ज्यादा मूव होने लगती है। तो अब आज देखते हैं कि बुमराह और शामी जो दोनों हैं वो क्या करते हैं। आज बड़ा बड़ा ये इंटरेस्टिंग सेशन होगा सेकंड सेशन, और मेरे ख्याल से मिडिल के जो ओवर्स हैं ना वो ऑस्ट्रेलिया को बहुत परेशान करेंगे लेकिन वो। इनके पास दो स्पिनर्स हैं, यहाँ पर है थोड़ा फर्क, और दोनों ही प्रॉपर स्पिनर्स हैं, जडेजा भी, कुलदीप भी, रिजवान भी। अच्छा जहां एग्जैक्ट तक देखें क्या हैदर भाई ठीक रहे हैं, ऑन जो भी हम हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप ये भी उठा के देखें उस हिसाब से ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मेंटल स्ट्रेंथ, ग्रिट और डिटर्मिनेशन को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार अगर कोई टीम, आप शुरू से कह रहे थे और आज उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, फाइनल खेल रही है, हाँ बिल्कुल मतलब वो सही। पहले दो मैच हारे भी थे तो हमने कहा था कि यार हाँ ये एक मैच इनको मिल गया और वो थैंकफुली आपको मतलब हमने खुद फॉर्म में लेके आ गए वार्नर को, स्मिथ को। अच्छा एक एक प्लेयर फॉर्म में आ रहा है लेकिन स्कोर हर प्लेयर ने किया उनके किसी ना किसी जगह पे, जहां पे रिक्वायरमेंट थी कोई ना कोई खड़ा हो गया। मैक्सवेल वाली तो अमेजिंग किस्म की इनिंग थी, बेशक कमजोर टीम के खिलाफ थी। मुझे लगता है कि आज ये पॉजिटिवली खेलेंगे, एक बंदा एंकर करेगा इनिंग को, दूसरा, और इवन जब ये स्टार्ट है उसमें तो मोस्ट प्रॉब्ली वार्नर शायद एंकर कर रहा हो क्योंकि ट्रेविस हेड मार रहा होगा, और उसके बाद इनमें से कोई भी आ गया लेबुशैन या स्मिथ तो फिर दूसरा बंदा मार रहा होगा और वो एक बंदा एंकर करता रहेगा। और ऐसा भी स्कोर है कि अगर लेबुशैन और स्मिथ दोनों इकट्ठे खेल गए तो उनको तो जरूरत ही नहीं है कुछ करने मिच की, मार्श, वो सिर्फ खड़े रहे मिच खड़े रहेंगे। मार्श और मिच मार्श इज ऑल्सो कैन प्ले अ वेरी गुड एंकर रोल, वो अग्रेसिव भी खेलता है तेज लेकिन तक जब बैटिंग जरूरत है होती यार है इनकी, सिर्फ स्टार्क भी कर ही लेते हैं। हाँ फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा है वो, इवन इंडिया बिल्कुल, में अंदाजा हुआ जितना ना मर्जी टैलेंट हो। लास्ट मैच जो खेले ये, उसमें आप देखें कि स्टार्क और वो दोनों खड़े हो गए यार, पैट कैप्टन, कमिंस, कमाल पैट कमिंस और फिर कमाल। मामूल हक को भी उसने थ्रेट किया, उसने कहा यार ऐसी नहीं तो तुम भी मामूल हक भी खेल सकते हैं, उन्होंने कहा मैं तो पैट कमिंस की बात कर रहा था। तो आप देखिए फाइटिंग स्पिरिट को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया के, एंड आई विल से कि ऑन दिस टोटल इस वक्त मेंटली ऑस्ट्रेलिया अप पे, इंडिया जो है वो परेशान है। एंड और ठीक है टोटल अभी भी बहुत स्ट्रांग है, विकेट ऐसी है लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन टीम रगड़ देगी इनको। साइकोलॉजिकल देखिए जीत हो गई है। साइकोलॉजिकली इंडिया के शोल्डर्स गिरे हुए हैं इस टाइम, बेशक उन्होंने अच्छा स्कोर किया विकेट के हिसाब से लेकिन जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं हुई, वो तो 300+ देख रहे थे लेकिन अभी उनके शोल्डर्स गिरे हुए हैं, और अगर इस सिचुएशन में 5-10 ओवर अगर ऑस्ट्रेलिया निकाल जाता है बगैर विकेट गिरे हुए तो एक मेरा अभी ख्याल है कि वो एक्सपर्ट क्रिकेटर मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि इंडिया ने नया नया बॉलिंग पर रिलाई करना शुरू किया है, हाँ
बड़ी अच्छी बात कही, वैसे मैं अग्री, उन्होंने कहा बैटिंग टीम थी, बैटिंग विनर थे, उन्होंने नया नया बॉलिंग पे रिलाय शुरू किया है, तो ऐसा पॉसिबल भी है कि उनकी बॉलिंग धोखा दे सके। और सॉरी मैं छोटी सी चीज ऐड कर दूं कि अगर ये 4-5 ओवर में बुमराह और शामी को पड़ गई तो वो उससे कैसा प्रेशर लेके वापस आते हैं, कमबैक कर सकते हैं कि नहीं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए बुमराह पहले स्टेज के ऊपर खेले हुए हैं, बड़े मैचेस खेले हुए हैं, सिराज का उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। सिराज बुनियादी तौर पे बहुत जोर लगा के बॉल करते, तेज़ बॉल करने की कोशिश करते, अगर उन्हें इस दौरान मार पड़ गई तो देखना पड़ेगा कि फिर वो क्या उनके पास स्ट्रेटेजी है। अनलाइक राहुल, दूसरा ये कि मुझे लगता है कि आज केएल राहुल के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर इस तरह से होगा कि फुल टाइम वो कीपर नहीं है, अनइवन विकेट है, अगर वो बिल्कुल अलर्ट रहना होगा, स्टंपिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि निकल के खेलेंगे ऑस्ट्रेलियंस, वो सेटल नहीं होने देंगे स्पिनर्स को, तो अगर वो स्टंपिंग के चांसेस मिस कर गए तो फिर वो थ्रू आउट उनके ऊपर प्रेशर रहेगा जो पूरी मेरा ख्याल इंडियन टीम को मुतासर कर सकते हैं। क्या कहते हैं मोहित? देखिए जो पहले 10 ओवर है वो तो हमने बात इससे पहले भी की, लेकिन क्या चाहिए 10 ओवर का अगर विकेट लेस है, विकेट्स विकेट्स इन हैंड होंगी तो आप फिर भी सेफ है। अगर आपने विकेट 50-60 रन भी अच्छे होंगे, काफी है 50-60 भी बहुत है, अच्छी करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, जो मुझे चीज लग रही है ना वैसे अच्छे होंगे 50-60 बगैर विकेट के, शुरू में 50-60 कर ले, बाद में फिर स्पिनर्स छा जाएंगे अगर आपने प्रेशर ना ले। मैं देखें असलान भी जिस जो ऑस्ट्रेलियंस हैं एज कंपेयर टू इंडियंस ना, वो स्विंग को अच्छा मैनेज करते हैं, वो बाउंस को अच्छा मैनेज करते हैं, वो फंसते हैं जहाँ पे स्पिन होता है, तो पहला हाफ तो वो निकाल लेंगे मुझे लगा। हम भी ऑस्ट्रेलियन हैं। हाँ जी, बेसिकली हम भी ऑस्ट्रेलियन हैं, हम क्यों फंसते थे स्पिन पे? नहीं हम तो ऑस्ट्रेलियन नहीं है, हम तो हमारी बैटिंग भी स्पिन पे फंस जाए, जहाँ पे बॉल थोड़ा बहुत कुछ करेगा वहाँ पे हम वैसे ही फंसते हैं, चाहे स्पिनर्स हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्पिनर्स जब आएंगे ना तब पता लगेगा कि ऑस्ट्रेलियन वहाँ से कैसे, अगर उसको अच्छा हैंडल कर लेते हैं तो फिर तो वो निकल जाएंगे, अगर वो उनको हैंडल नहीं कर पाए, मुझे सिर्फ मैच लग रहा है इंडियन के स्पिनर्स पे, उन पे सारा ये मैच रिलाय करेगा। यार एक छोटी सी चीज और डिस्कस करनी है सर, एक छोटी सी चीज इससे पहले कि इस पे एक चीज रह गई थी, मैं शुरू में करता, पाकिस्तान कप जो हमारा डोमेस्टिक वनडे कप है उसका फाइनल आज हुआ और पेशावर ने वन साइडेड मैच कराची वाइट जायंट्स टीम को मार दिया, टोटल पे टीम गिरी सर 103 सॉरी सारी टीम फारिग हो गई 103 पे जायंट, सिर्फ एक शान मसूद नहीं खेले, थोड़ी इंजरी का उनका मसला है, बताया नहीं किसी ने, लेकिन उनको थोड़ा सा इंजरी का इशू था तो वो नहीं खेले, ठीक है वैसे, लेकिन थोड़ी बहुत, लेकिन सर पूरी टीम 103 पे आउट, मैंने बता दिया ना पूरी टीम 103 पे आउट हो गई। इस पे भी मैं हैदर भाई आता हूँ थोड़ी सी कि इतना अच्छा खेलते हुए अगर आप किसी टूर्नामेंट के फाइनल में ये हरकत कर दे, मैं इसलिए मुमासलत कह रहा हूँ, तो आपको कॉस्ट करने पड़ता भाई, सारा टूर्नामेंट अच्छा खेल के पिंडी की विकेट ग्रीन थी या बॉलिंग बहुत स्ट्रांग थी, क्या एक बात हो सकती है या फिर हमारे बैट्समैन इतने अच्छे नहीं है? पिंडी की विकेट का आपको नहीं पता? पिंडी की विकेट सर यार रिजल्ट लेस तो फर्स्ट क्लास रहे। देखिए मैं ऐड करता हूं इसमें, देखिए सैम और शान ये दोनों उनको ना बड़ा अच्छा स्टार्ट देते थे हर मैच में, सैम आज आउट हो गया तो शान खेले नहीं और सैम जल्दी आउट हो गए, तो वो जब चीज पड़ी ना मिडिल ऑर्डर पे आके एकदम से सारी चीज कोलैप्स होगी, तो बेसिकली मैं 22 रन सरफराज ने किए उसके अलावा किसी ने नहीं, ऐसे ही है, तो अब वही चीज है कि जब जो टीम्स का एक मोमेंटम बना होता है ना एकदम से, जब वो एकदम से मोमेंटम, एक हिस्ट्री लिखने जाता अगर सरफराज फौरन ही कायदे आजम 4 डे के बाद वनडे भी जितवाता, ऐसा हुआ नहीं अनफॉर्चूनेटली, पर पेशावर साहिबजादा फरहान सर खेला बड़ा अच्छा, पूरा टूर्नामेंट साहिबजादा फरहान का अच्छा रहा, स्कोर किया और खबरें हैं तो मैंने उस दिन भी दी कि शायद ज्यादा फरहान होने जा रहा है, नॉक कर रहे हैं शावर की टीम भी जो है वो 112 पे ऑल आउट हुई है। हाँ। और बड़ा वो क्रूशल मैच था, उसमें बहुत सारी टीम्स जो है ना वो आपस में रन रेट के ऊपर जो है ना वो खींचा तानी चल रही थी, पिंडी भी बाहर हो गया था, उस मैच में पेशावर की टीम 112 पे ऑल आउट हुई थी इसी टूर्नामेंट में। यस सर, पिंडी ने पिंडी के साथ था ना वो, एग्जैक्टली नहीं आज फाटा के, अच्छा फाटा, हां हां फाटा, फाटा या पिंडी में से किसी एक ने क्वालीफाई करना था तो फिर ये हो गया कि ये क्वालिफाई लीग मैचेस में आप देखिए 6-6 सेंचुरी। ब्रेक 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 से आते हैं, ब्रेक से आते हैं, इस पर भी डिस्कस करते हैं और मैच पर भी करते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी, और 241 का ताकुब करना है, ऑस्ट्रेलिया कोई मैच जीतता है आज, बड़ा एक मोमेंट हुआ जी, बड़ा उनको तकलीफ उठी थी कि फिलिस्तीन के हक में रिजवान ने ट्वीट क्यों कर दिया, एक और रिजवान भाई मैं नहीं, हां नथिंग पॉलिटिकल, हां लेकिन सर इट्स नॉट पॉलिटिकल और इट्स अबाउट ह्यूमन और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ये बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल आज एक बंदा वहाँ पर शर्ट पहने फ्री फैलस्तीन की विराट कोहली को गले लगाने जा पहुँचा और उसको पकड़ के फिर बाहर ले गए, कैसा दिया वहाँ पर, हमें कहते हैं सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ये होती है भाई आपका सिक्योरिटी लैब्स है, अगर हमारे प्लेस तक कोई पहुँच जाता या खुदा न खास्ता कोई ऊँच नीच हो जाती तो वो वहाँ तो विराट के साथ भी
मैसेज तो दे गया बंदा पूरी दुनिया बिल्कुल। और सर सिक्योरिटी लैप्स भी बता गया ना कि आपके सिक्योरिटी लैप्स क्या है, आप इतना सिक्योरिटी। अच्छा वर्ल्ड कप हम बात करें इस पर तो कर रहे थे, लेकिन जवान भाई आप देखिए पूरा वर्ल्ड कप, अब तो इंग्लिश अखबार आता, हम तो चले भाई कहेंगे तो वो कहेंगे वर्ल्ड कप टॉस से लेकर तो पिच तक, और फिर शायकीन से लेकर तो सहाफ़ियों तक के वीज़े, फिर जैनब से ये मामला शुरू कराया इन लोगों ने, सुबह भी हमने इस पर बात की कि जैनब ने अपनी जान बचाई, और इन्होंने वर्ल्ड कप का वो एक ख़ास चार्म होता था यार जो बिल्कुल। आप देखिए सर जो लास्ट 2019 का वर्ल्ड कप आप ही सुबह ये बात कर रहे थे ना, उसका भी मज़ा ख़राब हुआ क्योंकि वो जिस तरह के रन हुए, इंग्लैंड जीत गई, सारे कहते हैं यार जीत तो गई लेकिन ये हुआ था वो हुआ था। बाकी वर्ल्ड कप में जीते भी जीते, लेकिन ये वर्ल्ड कप में भी बहुत सवाल आते हैं। देखिए यार मैंने ना बहुत सारे मैचेस पाकिस्तान इंडिया के शारजा में देखे हैं, इंग्लैंड में देखे हैं, मैनचेस्टर में 99 का वर्ल्ड कप का सुपर सिक्स का मैच देखा था। एक ही इंक्लोजर में वहाँ ये नहीं होता था, क्योंकि इंग्लैंड में तो उनको नहीं पता ना ये पाकिस्तानी है या इंडियन है, जो आप रह रहे हैं तो आप तो लोकल हैं वहाँ पे। सही। सो उसी इंक्लोजर में पाकिस्तानी भी बैठे हैं, इंडियन भी बैठे हैं, गप भी लग रही है, खाने भी शेयर हो रहे हैं, एंड इट वॉज नेवर पोलिटिकल। ठीक है, उस पर इवन ये भी हो रहा था कि जब पाकिस्तान हारा तो पाकिस्तानी और इंडियंस ने इकट्ठे वो पाकिस्तान इंडिया के फ्लैग, इंडियन ने पाकिस्तान का पकड़ा है, पाकिस्तान इंडिया का पकड़ा है। यार ये जेस्चर्स, इंडिया की टीम हम शुरू से कह रहे हैं कि इट इज़ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, आज के मैच के से पहले तक, आज के मैच में पता चलेगा कि कितना वो बेस्ट है या नहीं है। उनको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, वो वीज़े दे देते तो क्या वो स्कोर कम करते साउथ अफ्रीका के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ, वो अगर ज़ैनब अब्बास को तंग ना करते तो क्या स्कोर कम हो जाने थे उनके। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी क्राउड ज़्यादा आ जाती, पाकिस्तान की आ जाती, तो आप ही की इकोनॉमी बेहतर होनी थी, आप ही को फायदा तो होना था, आप ही को बहुत सारे फायदे होते। आप इंग्लैंड में वर्ल्ड कप देखें, न्यूट्रल क्राउड आपको दिखता है। इट इज़ वर्ल्ड कप इज़ अ सोशल इवेंट जिसके अंदर आप अपनी इंडस्ट्री इंप्रूव करते हैं, आपकी केटरिंग इंडस्ट्री है, होटलिंग इंडस्ट्री है, और वो उन्हीं से चलती है कि जब आप फॉरनर्स को आने देते हैं। सो आई थिंक इंडिया इज़ मिस द पॉइंट समवेयर के इन द इन इस कोशिश में कि हम वर्ल्ड कप सारे का सारा जीत जाएँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा डॉक्टरिंग की वीज़ों पे, मतलब देयर वाज नो नीड। मुझे एक बात बताएं कि हम टेररिस्ट तो नहीं है भेज रहे ना, आप अगर जमीलो रहमान को या शकील रहमान को या बशीरुद्दीन को भेज रहे हैं तो वो विजिटर है, आपने या इन्होंने जाना है या मैंने जाना है, तो हमने तो या कवर करने जाना है या मैच देखने जाना है। विजिटर्स मैच शायकीन है यार, तो पूरी दुनिया इंडिया की टीम जब भी पाकिस्तान आई है इट्स हैज ऑलवेज बीन वार्मली वेलकम, इंडिया के क्राउड भी आया हुआ, ऑस्ट्रेलियन क्राउड भी पाकिस्तान विजिट करती है। ये इससे ओवरऑल आपकी सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है इन लोगों के साथ, आप अपनी कम्युनिटी दिखाते हैं दूसरों को, पेश करते हैं कि यार ये फॉरेनर्स आए हैं, ये पाकिस्तानी हैं, देखो हम इंडियन हैं। याद होगा हमने इकट्ठा मैच कवर किया इंग्लैंड वाला, बारहवीं आर्मी के साथ हम बैठे, कितने वो लोग खुश थे, कह रहे यार हमें तो को पूछ ही नहीं रहा पूरा पाकिस्तान। इंडिया में इस टाइम जो गवर्नमेंट में है जो पार्टी, आप उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये उनकी इलेक्शन कैंपेन भी है। ये अगर वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो फिर आप देखेंगे इसको भी वो एजेंडे का हिस्सा बनाएंगे, ये जलसों में ये बातें डिस्कस होंगी, और पाकिस्तान को वो किसी सूरत स्पेस नहीं देना चाह रहे, ना वहाँ पे वो पाकिस्तान का नाम सुनना चाह रहे। पाकिस्तान के हवाले से जो भी कंट्रोवर्सी होगी उसको बहुत हवा देंगे। आप ये देखें कि रिसेंट अब्दुल रजाक ने बात तो बेवकूफ़ाना की है, लेकिन कितना इसको पीटा है इंटरनेशनल मीडिया ने, उसके बाद इंडियन मीडिया ने, और फिर इसको लेके ट्रॉल किया रमीज़ राजा की बात को, 4-5 साल पुरानी बात को उसको दोबारा से हाईलाइट किया गया। तो पाकिस्तान के हवाले से वो किसी छोटी मोटी चीज़ को भी जाने नहीं देते, और पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के टैलेंट है स्पोर्ट्स में, एंटरटेनमेंट में, उनको किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहते। उन्हें पता है कि लाइमलाइट में आएंगे तो दुनिया में इनकी सेह बनेगी, टैलेंट भी है ना बिल्कुल, लेकिन हमें भी अपना आप थोड़ा सा देखना होगा। हमें यानी बहुत ज़्यादा तवक्कोआत भी नहीं इंडिया से लगानी, क्योंकि देखिए इंडिया एक इकोनॉमिक पावर है दुनिया में, इस टाइम पांचवी बड़ी मायशी पावर है वो, और 8-10 सालों में वो तीसरे नंबर पे आ जाएगी, और वो हमारे हवाले से क्यों सोचेंगे, हमें ही अपने हवाले से सोचना होगा, हमें अपने अंदर डिसिप्लिन लाना होगा, इस काबिल होना होगा कि इंडिया हमसे हमें रिकग्नाइज़ करे। देखिए रमीज़ राजा ने तो स्टेटमेंट किस तरह की दी, उन्होंने कहा कि इंडिया की अब बात माने बगैर आप चल नहीं सकते, ICC इंडिया चला रहा है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमें अपना स्टेटस देखना होगा कि हम क्या हैं, हमें हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी इंडिया से, और हमें अपना रास्ता सीधा करना है वो किस तरह से। सर देखिए परफॉर्मेंस के थ्रू कभी क्रिकेट के लिए बुरा नहीं सोचा, वहाँ पर तो क्रिकेट की तबाही के लिए उन्होंने हाइब्रिड मॉडल इम्पोज किया, पर हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? उन्हें पता है कि देखिए दुनिया स्टैट्स देखती है, दुनिया आज का मैच देख रही है, कल के बाद दुनिया स्कोरबोर्ड देखेगी, किसने स्कोर किया हुआ है, कौन मैन ऑफ द मैच हुआ, कौन प्लेयर ऑफ द मैच हुआ, कौन वर्ल्ड कप जीता। बहुत अच्छी बात कही ना, आप 10 के 10 मैच जीत जाए फाइनल हार जाए तो आप हार के वर्ल्ड। देखिए बात वही है कि अपने कंट्री में आप फाइनल खेल रहे हैं, और ऑलमोस्ट आपने तमाम वो सारी चीज़ें ऐसी जो है वो सजावटी तौर पे
तैयार की हुई हैं जो बिल्कुल आपको हर चीज़ फेवर कर रही है, और चाहे वो टॉस हो तो उसमें भी आपके ऊपर बात आ रही है, चाहे वो पिच हो, देखिए चाहे वो पिच हो तो फिर भी आप पे बात आ रही है, बाहर का मीडिया हो गया, अब वो चीज़ें भी आपके एक्सपोज हो रही हैं। देखिए अगर ज़ैनब अब्बास का इशू था तो ज़ैनब अब्बास के इशू से ज़ैनब अब्बास को कोई नुकसान नहीं हुआ मेरे ख्याल से, अगर हुआ है तो वो इंडियन बोर्ड को हुआ है, उन्होंने अपनी हठधर्मी शो की है पूरी दुनिया के सामने और बैडली अपने आप को खुद से एक्सपोज किया है। मेरे ख्याल से वो अपने आप को हमेशा एक्सपोज करते रहते हैं। आपने एशिया कप की बात की, एशिया कप में उन्होंने आने से इनकार किया, फिर श्रीलंकन बोर्ड को भी साथ में लाया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, अब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने चली जाती है, हम कब खड़े होंगे? सर मैं इधर यही चीज़ ऐड कर दूंगा, देखें यार इन सब सवालों का एक ही जवाब है कि आप अपनी क्रिकेट इतनी अच्छी कर लें बल्कि आप जाएं खड़का के रखें, हर मैच जीतें, दूसरा आपसे डरे। 75-79 में वेस्ट इंडीज़ जो वर्ल्ड कप जीती थी उससे पहले आपको पता है 70 से पहले उनको कोई बुलाता नहीं होता था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का टूर पर जाके बाजा बजा दिया एंड दे बिकेम द क्राउड। चलिए जी रात को देखते हैं, रात को 11 बजे। बहुत शुक्रिया मुबीन, इरफान भाई, रिजवान भाई और सईद हैदर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। रात को 11 बजे जनाब अली होती है आपसे मुलाकात, देखेंगे मैच के रिजल्ट्स क्या आते हैं।